नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही दोस्तों, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की अपडेट आगे भी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इस बड़े राज्य में बिजली नहीं होगी महंगी, कंज्यूमर को बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बिजली के दाम बढ़ाए जाने को लेकर खलबली मची हुई है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली के दाम प्रति यूनिट 66 पैसे की बढ़ोतरी किए जाने का ऐलान किया। हालांकि मामला संज्ञान में आने पर नियामक आयोग की ओर से कोर्ट में जो है याचिका दायर की गई और बढ़े हुए दामों पर रोक लगाने की सलाह दी गई। इस खबर के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही अफरा तफरी भी मच चुकी है। हालांकि UPPCL अभी भी दाम बढ़ाने को लेकर अड़े हुए हैं। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि कोयला और तेल के दामों में बढ़ोतरी के कारण ये दरें बढ़ाई गई हैं। यही नहीं, ये दरें जनवरी महीने के बिल से भी लागू की गई है। हालांकि अभी इसके ऊपर मामला चल रहा है कि दरें बढ़ाई जाए फिर नहीं बढ़ाई जाए। आने वाले कुछ ही वक्त में जो है इस मामले पर जो है पूरी सुनवाई की जाएगी। दिल्ली चुनाव की भी सीधी जिम्मेदारी संभालेंगे शाह। भाजपा को नए अध्यक्ष के लिए अभी करना होगा और इंतजार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा को नए अध्यक्ष के लिए फरवरी में संभावित दिल्ली विधानसभा चुनाव तक का इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे में गृह मंत्री बनने के बाद वर्तमान अध्यक्ष अमित शाह हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के बाद अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की भी सीधी जिम्मेदारी संभालेंगे। माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के तत्काल के बाद कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पार्टी की सीधी कमान दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव की कमान भी जो अमित शाह संभालेंगे, इसके बाद ही तथा भाजपा के नए अध्यक्ष का जो है चुनाव किया जाएगा। अब खाद्य तेल के बड़े दाम, आयात शुल्क कटौती के बाद भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि खाने के तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के मकसद से केंद्र सरकार की ओर से पाम तेल पर आयात शुल्क में कटौती के बावजूद तमाम खाद्य तेलों के दाम में तेजी जारी है। घरेलू वायदा बाजार में पाम तेल का दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। पाम तेल महंगा होने से अन्य खाद्य तेलों में भी काफी ज्यादा तेजी आई है। कच्ची घनी सरसों तेल के दाम में पिछले साल के मुकाबले 21%, जबकि सोया तेल के दामों में 27% का इजाफा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मलेशिया और इंडोनेशिया में पाम तेल का दाम में बढ़ोतरी के कारण भारत में भी खाद्य तेलों की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि देखी गई है। और बाजार के जानकारों की माने तो उपभोक्ताओं को खाने के तेल की महंगाई से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे। आने वाले दिनों में खाद्य तेलों के दाम में और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अमेरिका ईरान तनाव से कच्चे तेल में लगी आग, देश में लगातार दूसरे दिन महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तेल कंपनियों ने लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 1 जनवरी को पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हुए थे, लेकिन इसके बाद गुरुवार और शुक्रवार को इसमें इजाफा किया गया। वहीं बगदाद हवाई अड्डे पर अमेरिका सेना द्वारा किए गए मिसाइल हमले में ईरान का शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी मारा गया, जिसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 10 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कोलकाता और मुंबई में 7 पैसे तो वहीं चेन्नई में पेट्रोल का दाम 8 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया। इसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 75 रुपए और 35 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत में 14 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 68 रुपए और 25 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखी जाएगी। रोटी के लिए भी मोहताज हुआ है पाकिस्तान, आटा 700 रुपए और LPG गैस सिलेंडर 1500 के पार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कमर तोड़ महंगाई के शिकार पाकिस्तान के लोगों को नए साल में महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महंगाई के चलते पाकिस्तान में भुखमरी के हालात है। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान की जनता महंगाई के चलते काफी परेशान हो चुकी है। देश में बढ़ता कर्ज और आर्थिक तंगी के कारण रोजमर्रा के सामानों के दाम भी आसमान पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और आटे के दाम देश में और भी ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए और 61 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद दाम बढ़कर 116 रुपए और 60 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम भारत की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर डीजल के दामों में भी 3 रुपए और 10 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसी के साथ ही सबसे तगड़ा झटका घरेलू रसोई गैस सिलेंडर ने दिया है। पाकिस्तान में 11.8 किलो के एक रसोई LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में काफी ज्यादा झटका लगा है, क्योंकि इसमें जो है 277 रुपए और 89 पैसे की बढ़ोतरी की गई है।
जी हाँ दोस्तों, अब एक सिलेंडर की कीमत 1513 रुपए से बढ़कर 1791 रुपए पहुंच गई है और गैस की कीमतों के एक साथ हुई बढ़ोतरी से जनता का हाल बेहाल हो चुका है। सभी लोग महंगाई से परेशान हो चुके हैं। पाकिस्तानी सरकार का खजाना खाली है, जिसके कारण महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा केरोसिन के दाम में भी 3 रुपए और 10 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम उत्पादों के अलावा रोजमर्रा के खाने के सामान भी काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं। पर आटे की कीमत भी 700 रुपए के पार पहुंच गई है। पेट्रोल, डीजल और खाने पीने के सभी सामान पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, जिससे आम लोगों का यहां पर जीवन यापन करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अभी जेल में ही बंद रहेगा भगोड़ा नीरव मोदी, 30 जनवरी को होगी पेशी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरबों रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी अभी जेल में ही रहेगा। कोर्ट ने उसकी हिरासत अवधि बढ़ा दी है, अब 30 जनवरी को उसकी कोर्ट में पेशी होगी। ब्रिटेन में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई चल रही है। नीरव मोदी को 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, तब से वह इसी जेल में बंद है और 30 जनवरी तक इसकी जेल में रहने के लिए और बढ़ोतरी कर दी गई है। ट्राई ने दिया है बड़ा तोहफा, अब 130 रुपए में देखने को मिलेंगे 200 चैनल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ट्राई ने नए साल में डीटीएच यूजर्स को बड़ा तोहफा दिया है। अब आप महज 130 रुपए खर्च करके 200 चैनल देख सकेंगे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने बुधवार को केबल और प्रसारण सेवाओं के लिए नई दरों का खाका पेश कर दिया है। नई दरें 1 मार्च 2020 से लागू होंगी, साथ ही कुछ अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। ट्राई ने उपभोक्ताओं द्वारा सभी फ्री टू एयर चैनल के लिए दिए जाने वाले मासिक शुल्क की सीमा 160 रुपए तय की थी। ट्राई की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि कई टीवी वाले घर यानी कि जहां एक से अधिक टीवी कनेक्शन एक व्यक्ति के नाम पर है, वह दूसरे और अतिरिक्त टीवी कनेक्शनों के लिए घोषित नेटवर्क क्षमता यानी कि NCF का अधिकतम 40% लिया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा के बाद ही ट्राई ने 200 चैनल के लिए अधिकतम NCF शुल्क यानी कि कर जो शुल्क होता है उसे 130 रुपए कर दिया, यानी अब आप 130 रुपए में 200 से भी ज्यादा चैनल देख पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, वेदर न्यूज अपडेट, अगले 3 दिन होगी अच्छी बर्फबारी, दिल्ली में ऐसा रहेगा मौसम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 दिनों में पहाड़ी इलाके खास तौर पर वेस्टर्न हिमालय रीजन में पश्चिमी विपक्ष के प्रभाव के चलते अच्छी बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसी के साथ ही उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में कई स्थानों पर जो है भारी बर्फबारी की संभावना भी मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। इसी के साथ ही मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के कई हिस्सों में शीतलहर दर्ज की जाएगी, जिसके चलते पूरे दिन राजस्थान के कई हिस्सों में दिन का तापमान जो है काफी नीचा रहेगा, यानी काफी वहां पर ठंड रहेगी। और इसी के साथ ही पंजाब, हरियाणा के कई हिस्सों में भी शीतलहर दर्ज की जाएगी, जिसके चलते यहां पर काफी ज्यादा ठंड बनी रहेगी। वहीं पूरे उत्तर भारत में साथ ही दिल्ली में भी जो है ठंड का प्रकोप अगले 2 से 3 दिनों तक बना रहेगा शीतलहर के चलते। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो में फ्री वाईफाई शुरू है, ट्रेन में इंटरनेट देने वाला भारत दुनिया का चौथा देश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आम ट्रेनों के साथ ही महानगरों में दौड़ने वाली मेट्रो ट्रेन लगातार आधुनिक हो रही है। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस दिल्ली की एयरपोर्ट मेट्रो ट्रेन में अब एक और सुविधा शुरू की गई है। नई दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मेट्रो में अब मुसाफिर फ्री वाईफाई की सुविधा का आनंद उठा सकेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ट्रेन के भीतर हाई स्पीड वाली मुफ्त वाईफाई सेवा शुरू की है। दक्षिणी एशिया क्षेत्र में किसी देश में शुरू की गई यह इस तरह की पहली सुविधा होगी। मेट्रो ट्रेन में हाई स्पीड इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा देने में भारत अब चौथा देश बन चुका है। जी हां दोस्तों, भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया। जी हां दोस्तों, साथ ही देश की दूसरी मेट्रो ट्रेनों में भी ऐसी ही सुविधा जो है जल्द शुरू की जाएगी। किसानों को मिले 12,000 करोड़ रुपए, पीएम मोदी ने जारी की पीएम किसान की तीसरी किस्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के तथा तुमकुर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तीसरी किस्त के रूप में किसानों के खातों में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने प्रगतिशील किसानों को भी कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित भी किया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री ने 8 करोड़वें किसान के खाते में पैसा जमा किया। इस कार्यक्रम में ही एक साथ देश के 6 करोड़ किसानों परिवार के खातों में 12,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं।
गृह मंत्रालय में अलग से देखे जाएंगे राम मंदिर निर्माण से जुड़े मामले, बनी अयोध्या डेस्क। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़े मामलों को अलग से देखा जाएगा। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष अयोध्या डेस्क बनाई गई है। मंत्रालय के एक अतिरिक्त सचिव को इसका प्रमुख बनाया गया। खास बात यह है कि यही डेस्क सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने और मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन और उसके ट्रस्ट को निर्माण में जो मालिकाना हक होगा वो सभी ट्रांसफर करने जैसे जितने भी मामले हैं ये डेस्क देखेगी। आपको बता दें कि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में ट्रस्ट का गठन करने के लिए आदेश दिए थे। ये पूरी तरह से जो है राम मंदिर निर्माण के मामलों को देखेगी। तो दोस्तों, ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट, मुख्य समाचार। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको आगे भी ऐसी और खबरें देखने के लिए मिलती रहें।